देखिए, कर्तव्य और ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को बलिदान कर देने से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारे जवान हर साल ड्यूटी करते हुए एक राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। इससे हमारे जो बाकी साथी जवान, हम सभी लोगों को एक और प्रेरणा मिलती है। इन्हीं के सम्मान में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, 21 अक्टूबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो सम्मान देते हैं और इसके साथ साथ उनके परिवारजनों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरा पुलिस बल हमेशा उनके साथ है, उनका परिवार हमेशा हमारा एक अंग रहेगा। मैं अंत में आज स्मृति दिवस के अवसर पर अपने सभी बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिन्होंने दावा किया कि वह इसे सुनता है और भारतीय पुलिस के जवान जो अपने परिजनों को छोड़ शुभ से गांव से दूर उस निर्जन क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेकर आए थे, अपनी मातृभूमि का टुकड़ा भी बहादुरों की परंपरा पर उन्होंने सांस नहीं आ रही थी तथा सामान तत्वों के सहारे ही ये जवान स्वचालित राइफलों और मोर्टारों से लैस जीवन जवानों ने मात्र आधा सारा राष्ट्र के 21 अक्टूबर 1963 था वह दिन हमारे जवानों की प्रेरणा का एक समय में बहुत मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों तक उत्सर्ग कर देने वाले इन्हीं वीर जवानों की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण भारतवर्ष के पुलिसजन वीर गति को प्राप्त हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमन उन बहादुरों को जिनके लिए कर्तव्य पालन पालन प्राणों से अधिक किया रहा। दिनांक 1 सितंबर 1931 की अवधि में संपूर्ण भारतवर्ष में 264 प्रजनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवन आहुति दी। इसमें से 8 जवान, आंध्र प्रदेश 2, बिहार 9, छत्तीसगढ़ 32, हरियाणा 2, झारखंड 8, कर्नाटक 17, मध्य प्रदेश 7, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, पंजाब 2, राजस्थान 2, तमिलनाडु 2, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 9, उत्तराखंड 6, पश्चिम बंगाल 11, अंडमान निकोबार समूह 2, दिल्ली 11, जम्मू कश्मीर 12, असम राइफल 3, BSF 25, KSF 7, CRPF 49, बस 21 अक्टूबर को मनाने के पीछे एक पुरानी ऐतिहासिक घटना, मैं उसका आपको बताना चाहूँगा। जनसेवा का उच्च आदर्श कृतज्ञ के अनेकों पुलिसजन प्रतिवर्ष कर्तव्य पथ का अनुगमन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते रहे हैं। पुलिसजनों के कार्य की प्रगति कुछ ऐसी है कि इसमें कदम कदम पर जोखिम व जीवन कठे सन्निहित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिदानी कर अपनी प्राणहुतियाँ देते रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसेवा के कुछ आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से गुरेज न करने वाले ये पुलिसजन मर कर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति व यशोगाथा समय के साथ साथ क्षरित नहीं होती, अपितु अविरल अनुप्राणित करती रहती है। पुलिस की भावी संगतियों को उसी पथ पर गणित साहस एवं मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए ऐसी एक गाथा आज से 61 वर्ष पुरानी है। भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फीट से ऊंची बर्फ से ढके पर्वतों दर्रों के बीच जहां के सामान्य नागरिक सुविधाओं के उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती।